अस्सलाम वालेकुम। हमारी रेलवेज़ का स्मूथ ऑपरेशन बरकरार रखने के लिए बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन भी मौजूद हैं जहां किसी गाड़ी का स्टॉप नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही रेलवे स्टेशन को विज़िट करना और वहां रेल फैनिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। 2022 के शुरू में मुझे सिंध के बहुत सारे ऐसे ही ऑपरेशनल रेलवे स्टेशन पर जाने का मौका मिला, और सच पूछें तो मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। ना सिर्फ रेलगाड़ियों की घनघोर सुनने को मिली, बल्कि इंतहाई ज़रखेज़ इलाका और वहाँ की पैदावार देखने का भी मौका मिला। आज की मेरी मंजिल है पाली जानी रेलवे स्टेशन, जो कि हैदराबाद के नज़दीक वाक़ है। तो चलें इस सफ़र को शुरू करते हैं। 25 फरवरी 2022 की सुबह सुबह हैदराबाद से निकलकर पहले अल्लादीनू सांध रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर किया, जिसका व्लॉग मैं पहले ही पब्लिश कर चुका हूँ। अल्लादीनू सांध से तकरीबन 11:20 पर निकले और एक दफ़ा फिर खेतों और बागों के दरमियान से होते हुए पाली जानी स्टेशन की तरफ चल दिए। केले के बागात देखने का इश्तियाक हुआ तो मोटरसाइकिल रोककर एक बाग में दाखिल हुए। अपने कद से भी लंबे केले के दरख्त देखकर हैरत भी हुई और इस पर लगा हुआ फल देखकर बहुत खुशी भी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रास्ता पूछते हुए हम पाली जानी रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना दवा थे। पाली जानी से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले एक बड़ी नहर भी आती है, जहां लम्हे भर के लिए रुके, और यही रुकना थोड़ा सा महंगा भी पड़ गया, क्योंकि पाली जानी पहुँचने से कुछ देर पहले 6 डाउन ग्रीन लाइन को अपने सामने से भागते हुए देखा। खैर, इस गांव की तंग गलियों से होते हुए हम पाली जानी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ये रेलवे स्टेशन मेन लाइन 1 पर 212/4 किलोमीटर मार्कर पर वाक़ है। इससे पिछला रेलवे स्टेशन है अल्लादीनू सांध और अगला है उडेरो लाल। यहाँ के लोग सीधे साधे और बहुत ही मिलनसार हैं। पाली जानी के कुछ बच्चों से भी मुलाकात हुई, जो स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घरों को जा रहे थे। पाली जानी रेलवे स्टेशन पर कुछ बच्चों से मुलाकात हुई है, जो अभी स्कूल से छुट्टी हुई है, अपने घर को जा रहे हैं। अच्छा हाल है? खैर है? अच्छा नालो आए? भोलेनाथ। भोलेनाथ, तुंजो नालो? राम। राम, तुंजो नालो? अमरनाथ। अमरनाथ, तुंजो? अमर। अमर, तो ये सारे बच्चे हैं जो अभी स्कूल से छुट्टी हुई है, अपने घर को जा रहे हैं। शर्मीले हैं जरा। ट्रेन एक्शन से पहले यहाँ की पुरसुकून बिल्डिंग का एक वॉक इन टूर करते हैं। पाली जानी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का मैं आपको शॉर्ट सा टूर कराता हूँ। बड़े क्यूरियस से बच्चे इधर मौजूद हैं। ये नोटिस बोर्ड, टिकट विंडो और किराया नामा, ये अब वर्किंग में नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी भी ट्रेन का इधर स्टॉप नहीं है। ये एक बड़ी हवादार सी जगह है और सीमेंटेड बेंच इधर मौजूद है, और ब्रिटिश ज़माने की ये बनी हुई है। जैसे बाकी हमारे रेलवे स्टेशन खुले हवादार और मोटी दीवारों के होते हैं, तो गर्मियों में ये बहुत ठंडे रहते हैं। प्लेटफॉर्म में एंटर होते हैं, ये पाली जानी रेलवे स्टेशन का की बिल्डिंग का फ्रंट लुक है। और जो चीज़ इधर आपको अट्रैक्ट करती है, वो बहुत सारे दरख्त हैं। एक छोटा सा बागीचा भी इधर मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें ये आम का दरख्त और इस पर काफ़ी बूर भी आया हुआ है। इसके अलावा लीमू का दरख्त, जामुन, पपीता, ये सारे जो प्लांटेशन है, ये यहाँ के एक लोकल बंदे ने अपने इंटरेस्ट के बदौलत की है,
और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के एसएम साहब ने हमें दी है। तो अगर सब लोग अपने मुकामी स्टेशंस में ऐसे इंटरेस्ट लें तो तमाम स्टेशंस हरे भरे हो जाएंगे। पाली जानी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर आज आपके रेलवे स्टेशन पर हम आए थे और बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर पे यहाँ का पीसफुल माहौल और जो परिंदों की चहचहाहट है वो मुझे बहुत ही पसंद आई। सर सबसे पहले ये पाली जानी गाँव के बारे में बताइए और स्टेशन के बारे में कि ये नाम कैसे पड़ा है। ये पाली जानी गाँव है यहाँ पे साइड में, उसी के नाम से इसका नाम पाली जानी स्टेशन रखा गया। अच्छा सर ये बताएं कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ के लोगों का मेन जो जरिया माश है वो क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट मटियारी में आता है और यहाँ पे तकरीबन जो है ना काश्तकारी ज़्यादा ही है, ज़मीन वगैरह ज़्यादा ही है, यहाँ के कुछ बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़मींदारी करते हैं। अच्छा अफजल साहब, मैं जब पाली जानी रेलवे स्टेशन आ रहा था तो मैंने काफ़ी रिलीजियस डाइवर्सिटी इधर देखी, मुझे मस्जिद भी नज़र आई, मंदिर भी नज़र आए, तो ज़रा बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से मज़ाहिब के लोग आबाद हैं और कैसे रहते हैं आपस में? यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी है और हिंदू कम्युनिटी भी है, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, तकरीबन मिलजुल के ही रहते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है तासब वगैरह की। अच्छा सर ये तो हो गया पाली जानी गाँव के बारे में, अब थोड़ा अपने स्टेशन के बारे में बताइए कि यहाँ पर कौन सी ट्रेन के स्टॉपेजेस वगैरह हैं और क्या वर्किंग वगैरह आप करते हैं? यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, इससे पहले यहाँ पे स्टॉपेज था, एक ट्रेन थी जो कि लुंडो चलती थी, जिसका मतलब वो ट्रेन अब नहीं चलती, तो दूसरी ट्रेनों का यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है। हाँ मालगाड़ी वगैरह रुकती हैं, उसे हम लूपिंग करते हैं पैसेंजर ट्रेन को वे देने के लिए, और किसी ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है, ये नॉन ट्रेन स्टॉपेज स्टेशन है। चलें सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, अल्लाह हाफिज़। अब आते हैं अपने ट्रेन एक्शंस की तरफ। पाली जानी रेलवे स्टेशन का पहला ट्रेन एक्शन देखने को मिल रहा है और अप साइड की यूसुफ वाला कोल ट्रेन GU409035 के साथ थ्रू पास कर रही है। बहुत अच्छी रफ्तार में कोल ट्रेन पास हुई है और उसके जाते साथ ही ट्रेसपासिंग आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक्स पे। पाली जानी रेलवे स्टेशन पर जो अगला एक्शन देखने को मिल रहा है वो 44 डाउन शाओसेन एक्सप्रेस का है और आज इसकी लीड पर है AG36025 लोकोमोटिव। डाउन लाइन पे कॉशन स्पीड है तो इसलिए ये नॉर्मल स्पीड में पास होगा। अगला एक्शन है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का और डाउन साइड पे कॉशन लगा हुआ है और आज सारी ट्रेन्स हमें ज़्यादातर डाउन की मिल रही हैं, तो इसके साथ है HGMU30R8214, देखते हैं इसका एक्शन।
ये था 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का एक्शन, और कुछ ही देर में 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस भी आएगी, तो चलें अब उसका इंतज़ार करते हैं। नमाज़े जुमा से थोड़ा पहले अगला एक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस का है। कराची से पिशावर ये ट्रेन चलती है। आज इसकी लीड पर है GU40। अब ट्रैक पर अब जो एक्शन देखने को मिल रहा है वो शहदादपुर फर्टिलाइज़र ट्रेन SDU GU40 लोकोमोटिव के साथ। पाली जानी रेलवे स्टेशन पर माल गाड़ियों की आज तो बाहर देखने को मिल रही है, GU40 लोकोमोटिव के साथ 9053। यूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेल फैनिंग का दिन इख्तिताम पज़ीर हुआ और हम वापस हैदराबाद की तरफ चल दिए। उम्मीद है आपने भी इस रेलवे स्टेशन और यहाँ की गई रेल फैनिंग को पसंद किया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।